हमें महाराज तक्षक ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि डेबरू जी ही है, मेरा मतलब महाभयंकर डेबरू जी ही है जो इस आत्मा को 5 महाशक्ति चक्रव्यूह में कैद कर सकते हैं। पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे बने ज्वाला कुंड में छलांग लगाई है? नहीं, किंतु आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लगाई होती तो यहां थोड़ी ना होते। क्योंकि वहां से कभी कोई वापस नहीं आता, क्योंकि यह 5 महाशक्ति चक्रव्यूह है। अगर कोई आत्मा वहां कैद होती है तो काल के अंत तक वहीं रहती है। अगर किसी ने उसे छुड़वाने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु निश्चित है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। क्षमा कीजिएगा, हम दोनों यहां से चले जाएंगे, लेकिन आप महाराज तक्षक को क्या जवाब देंगे? आप जानते हैं ना कि हम कौन हैं? हम महाराज तक्षक की पुत्री हैं। और ये महाराज तक्षक का नाती युवराज शंखचूर्ण है, और ये महाराज तक्षक का आदेश है। तो क्या आप महाराज तक्षक के आदेश का पालन नहीं करेंगे? अगर 5 महाशक्ति के चक्रव्यूह की रचना हो गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, खुद मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। और अगर किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की, 5 दरवाजे तोड़ भी दिए, तो भी वो वहां आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। भले ही वो नागराज तक्षक क्यों ना हो। अपने मौत का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। वासुकी जी, यहां क्या कर रहे हैं ऐसे बर्फ के अंदर? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सच में अर्जुन के गुरु वासुकी जी है या फिर कोई पुतला? और उनके पीठ में ये खंजर क्यों है? कौन है वहां पे? पूर्णिया,
हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मुझे नहीं पता मैं गुस्से में क्या कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अर्जुन। तुमने सोचा कि नूरी की आत्मा को 5 महाशक्ति चक्रव्यूह से कैसे बचाओगे? नहीं ना अर्जुन, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति पे हावी हो गया। ऐसे तो तुम उस चक्रव्यूह में मर जाओगे। अगर मुझे नूरी के लिए जान भी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। अर्जुन, अगर तुम ही नहीं रहे तो नूरी को कौन बचाएगा? उसकी आत्मा तो हमेशा तड़पती रह जाएगी ना। इसलिए तुम्हें बहुत ही धीरज और ध्यान से काम लेना होगा। पहले तो शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। कहते हैं चक्रव्यूह, कैद हुई नूरी की आत्मा, मारा जाएगा अर्जुन। यही है अर्जुन, 5 रहस्य द्वार, इसी के अंदर 5 महाशक्ति चक्रव्यूह रचा गया है। लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जरूरी नहीं जो दिखाई ना दे वो सच ना हो। आगे बढ़ो अर्जुन। महाराज, नाग डिब्रू आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। महाराज, नागलोक के सर्वशक्तिशाली नागराज तक्षक डिब्रू का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भयंकर डिब्रू। ना 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 ना, प्रणाम महाभयंकर डिब्रू। इतने महान, इतने विद्वान होकर भी तुम शंखचूर्ण की बातों में आ गए। अब क्रोध करने से क्या होगा दीप्रू? तीर कमान से निकल चुका है, वो तो विनाश करेगा। बस हवा को अपनी दिशा बदलनी हो। अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा दीप्रू। तोड़ने दो उसे, मैं स्वयं उसकी शक्तियों को परखना चाहता हूं। तुम्हारा कार्य उसके बाद शुरू होगा। जैसे ही नूरी की आत्मा मुक्त होगी, तुम अर्जुन की आत्मा को अपने वश में कर लेना। अर्जुन के अंदर के इंसान को चक्रव्यूह में हमेशा के लिए बंद कर दे। जो आज्ञा नागराज। एक बार अर्जुन के अंदर का इंसान खत्म हो गया, उसकी दया, संवेदना, प्रेम, सारी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिंदा रहेगा तो बस उसके अंदर का नाग, भयानक, क्रूर, खौफनाक। तब जाकर तुम वो बनोगे अर्जुन, जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। सर्वशक्तिशाली, सर्व विनाशकारी नाग राक्षस।